माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छी खबर है। अगर से आपके बच्चे नवासा नवासी पोता पोती ने इस बरस पीओसी में 95% और मैट्रिक में 90% मार्क्स हासिल किए हैं तो इन्हें तहनियत पेश की जा रही है। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन गुलबर्गा की जानिब से 26 मई को कनाडा भवन तिमापुरी सर्कल पर यह तहनियती प्रोग्राम रखा गया है। 22 मई से पहले एलिजिबल टॉपर्स अपने मार्क्स कार्ड फोटोज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इस साल बड़ी खुशी की बात है कि पीयूसी सेकेंड ईयर में शायद ही कोई बच्ची तो 80% से नीचे ना लिए। किसी स्कूल से जाए किसी कॉलेज से पहुंचे 80, 90, 89, इसलिए हम आपके बार कट ऑफ 95% के अबव जो भी बच्चे सरकारी मुलाजिम के प्रेजेंट है रिटायर्ड के पोत्रा पोत्री हो जो नवासा ना हो अगर हैं तो हम उनको उस दिन सिपाहनामा दिया जाए। एक और ये हमारा मकसद ये है कि उनमें कुछ इंकरेजमेंट करना चाहिए और उसके साथ में हम एक मोटिवेशनल स्पीच रखें कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का लायमाना आइंदा कैसा करना चाहिए। दूसरी बात रहा एस एस सी की, अलबत् बात उतनी ख़ास नहीं है क्योंकि रिजल्ट आपके बाहर उतना जानदार नहीं निकला, इसलिए हमको कट आउट आपके बाहर हम मोर देन 90% जो भी हैं वो बच्चे। अब रहा सवाल कि अपने वालिदैन के साथ तस्दीकनामा व्हाट्सएप और अपना रिजल्ट 22 तारीख तक हमारे एसोसिएशन को जमा किया जाएगा तो हम उसको स्टार्ट वार्ट कर प्रोग्राम में इन सबको इस प्राइस से नवाजेंगे। और ये मतलब और मकसद ये है कि बच्चों में एक जोश पैदा किया जाए, एक उनको ये बताया जाए कि आइंदा ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, उनका मकसद क्या है ज़िंदगी का। ये नहीं अब तक तो खैर जो भी जिस अंदाज से पास हुए रट के पास हुए या कोई अंदाज से भी पास हुए वो तो गए रिजल्ट बड़ा अच्छा, लेकिन आइंदा जब आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो प्रोफेशनल की तैयारी कैसा करना चाहिए, इसलिए हम मोटिवेशनल स्पीच एक या दो स्पीच रख रहे हैं। ये हर साल की तरह सालाना इम्तिहान में एनुअल एग्ज़ाम में पीओसी में फर्स्ट क्लास आने वाले और मैट्रिक एसएसएलसी में फर्स्ट क्लास आने वाले स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी से या माइनॉरिटी एम्प्लॉयज से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको एक तहनीती प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें उनकी सताइश और हौसला अफजाई के लिए कुछ रिवार्ड एवार्ड जो भी है वो दिए जाते हैं। ये प्रोग्राम 26 मई 2024 को है ना रखा जाएगा जिसकी लास्ट तारीख जो है ना 22 मई है और आप जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं उनका पीयूसी में जो बच्चे हैं उनको 95% हैं और एसएससी में जो बच्चे हैं पास हुए 90% आपको जो है ना प्रीवियस मार्क्स कार्ड के साथ एक आधार कार्ड का जेरॉक्स और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबमिट करना है वो 22 तारीख के अंदर, जिससे हमारे को आपके टॉप होने और लिस्ट बनाने के लिए एक आसान होता है। और दूसरी बात यह है एम्प्लॉयज जो पेरेंट्स एम्प्लॉयज हैं आपका डिपार्टमेंट और एड्रेस मेंशन करना ज़रूरी है कि आप कौन से डिपार्टमेंट हैं और आप कहाँ पे लोग जो है ना पोजीशन या पोस्टिंग है आपकी। इसके अलावा भी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज पर्सनस हैं उनके जैसा कि सर बताए हैं नवासा है या नवासी है या पोतरा है या पोतरी अगर ऐसे भी बच्चे हैं तो आप भी उन बच्चों को जो है ना हम इस तैनाती जलसे में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि मकसद डॉक्टर साहब और हमारे असद साहब बताए हैं बच्चों को मोटिवेट करना है। 20 साल के हम 24 से ज़ायद बच्चों को जो है ना तैनाती पेश कर चुके हैं।